अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दड़बाहा निवासी एक औरत की राजस्थान में स्वाइन फ्लू के साथ मौत होने का समाचार है। इस संबंधित जानकारी देते सिविल अस्पताल गिद्दड़बाहा के SMO डॉ प्रदीप सचदेवा ने बताया कि उनको बीकानेर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत चरणजीत छाबड़ा नामक व्यक्ति की पत्नी रमा रानी उम्र करीब 40 साल को स्वाइन फ्लू के साथ मौत की पुष्टि की गयी थी, जिसके अंतर्गत सिविल अस्पताल गिद्दड़बाहा की टीम उनके घर पारिवारिक सदस्यों को स्वाइन फ्लू रोकथाम के लिए दवा देने गई थी। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल की टीम की तरफ से दवा देने साथ ही लोगों को जागरूक किया जाता है कि मरीज के साथ संबंधित बिस्तरे और कपड़े आदि को जला दिया जाए, जिससे स्वाइन फ्लू फैलने से रोका जा सके। उक्त मृतक महिला के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि रमा रानी को बीमारी के चलते बीकानेर लाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की थी और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मेरा नाम प्रकाश जी। हाँ जी, की घटना हुई है, किस तरह हुई? ये मेरा छोटा ब्रदर है, उन्होंने मिसी जी जो बीमार सी बीकानेर रैफर किया गया सीगा, उत्थे उन्होंने स्वाइन फ्लू दसा गया, उन्होंने करके उत्थे उन्होंने डैथ हो गई जी। हुण डॉक्टर साहब दी टीम आ रही है, असी जो मेडिसिन देंगे ये सारे परिवार को दी जाऊगी। की दसा गया सी बीकानेर वाले डॉक्टर ने तुहानू की दसा सी, किस तरह डैथ हुई है? उन्होंने स्वाइन फ्लू पहले पॉजिटिव आया जी। कल संस्कार किया गया है, कोई पुलिस वालों बैरीगेड या किसी डॉक्टर की पैनल की टीम ने तुहाडे नाल उत्थे मौजूद सी? ना, कोई मौजूद नहीं सी, कोई मौजूद नहीं सी। असी आप सारे आपदे रिश्तेदारां ने किया जो किया जी। कोई उत्थे पुलिस भी मौजूद नहीं सी? कोई पुलिस नहीं सी, कोई नहीं सी। की नाम सी जिन्हां दी डैथ हुई है जी? रमा रानी। किन्नी उम्र सी? 40 साल दी। 40 साल। किन्ने बच्चे ने जी? दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। सर की मामला की है जी, एक डैथ हुई है 40 साल की? ये एक पेशेंट चरणजीत छाबड़ा पुत्र विक्की छाबड़ा दी सानू रिपोर्ट प्राप्त हुई है सिविल सर्जन दफ्तर वालों कि जिदे च यदी डैथ हुई है, तो यह जो स्वाइन फ्लू का कितने टैसट उत्थे करवाया होना बीकानेर च, उहदी रिपोर्ट है जी पॉजिटिव आई है, उहदे संबंध च सानू यह अज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये असी की करना होंगे कि जाके कार्रवाई करनी होंगी है कि असी साड़ी टीम गई सी इन्हां दे घर विजिट करन लई, तां कि उन्हां दे जिहड़े पेशेंट्स ते उन्हां दे जिहड़े अटेंडेंट सीगे, पेशेंट दे अटेंडेंट सी उहदे कॉन्टैक्ट्स जिन्ने भी रहे आ उन्हां नूं असी कवरेज प्रोफाइलैक्टिकली स्वाइन फ्लू की जिहड़ी मेडिसिन दित्ती जाए तां कि जे रोग अगे ना फैल सके, उहदी अज टीम एक बार गई सी पर उन्हां ने सानूं कोऑपरेट नहीं किया। असी टीम नूं दुबारा फिर उन्हां दे घर भेजांगे ते उन्हां नूं अगे इहदे बारे जागरूक भी किया जाए ते कॉन्टैक्ट्स नूं मेडिसिन दित्ती जाए। सर ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਣ। गिद्दड़बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।